नमस्कार, स्वदेश खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार की खबरों के साथ, जहां हमने देखा कि अप्रैल सीरीज के आखिरी दिन बाजार में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी देखी गई। बाजार में आज और क्या हलचल रही, जानने के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद के पास। किस तरह से आज बाजार का कारोबार रहा, आज एक्सपायरी का दिन था, हमने 17,000 से लेकर 17,200 ये 200 पॉइंट के रेंज लग रही थी जिसके बीच एक्सपायरी होनी थी और ऊपर ही इसकी एक्सपायरी हुई है। सारे ही सेक्टर्स में आपको आज हरा निशान दिखाई दिया, बढ़त दिखाई दी और मेजरली लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर आप इस वक्त निफ्टी के गेनर्स को देखते हैं, टॉप गेनर्स में HUL शामिल था। इनफैक्ट पहले अगर हम पैक्स की बात करें, जहां से लीडरशिप आई, जिन्होंने जो मूवर्स थे आज के, उनमें से FMCG, एनर्जी और कंजम्पशन, ये तीन बिगेस्ट मूवर्स रहे आज के डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें। FMCG पैक बिकॉज HUL के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, ग्रोथ की गाइडेंस अच्छी दी कमेंट्री ने, जिसके बाद हमने पूरा रब ऑफ इफेक्ट पूरे स्पेस पर ही देखा। आप मैरिको की बात करें, नेस्ले की बात करें, उन सभी काउंटर्स में भी आपको आज तेजी देखने को मिली। एनर्जी पैक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन बाजार को ऊपर तक लाने की रिलायंस ने की, एक इंडेक्स मैनेजमेंट तक का रोल भी निभाया पीछे के कुछ दिनों में रिलायंस से, लेकिन लार्जली बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग GRMs, जिसके चलते हमने देखा कि रिलायंस में तेजी थी, 2800 के ऊपर तक पहुंचा रिलायंस। पूरा रिफाइनरी स्पेस, MRPL की बात हो, चेन्नई पेट्रो की बात हो, सभी में आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। और तीसरा स्पेस जो आज का गेनर था वो था कंजम्पशन स्पेस लाइक एशियन पेंट स्टॉक्स, क्योंकि थोड़े से अब क्रूड के प्राइस स्टेबल हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं जितने भी पेंट स्टॉक्स हैं, एविएशन स्टॉक्स हैं, ऑयल टायर स्टॉक्स हैं, उन सब में आपको एक तेजी भी देखने को मिल रही है, लगातार बनी हुई है। सेक्टर्स बहुत सारे थे जिनमें आज आपको क्लियरली एक्शन दिख रहा था, मेजर ऑफ द पैक एक्शन में दिख रहा था, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी का बड़ा ट्रिगर है। फर्टिलाइजर के चलते, इसी ट्रिगर के चलते आपने UPL में तेजी देखी, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर, इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी भी देखने को मिली। HDFC लाइफ में एक वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। FNO काउंटर्स की बात करें, मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, और उसके चलते हमने देखा ICICI प्रूडेंशियल में भी आपको तेजी देखने को मिली। तो इंश्योरेंस स्पेस में भी आपको आज एक्शन अच्छा खासा देखने को मिला, और होटल स्टॉक्स में इंडियन होटल लगभग 2-2.5 बजे तक तो टॉप FNO गेनर भी रहा, क्योंकि इंडियन होटल्स के अच्छे नंबर्स आए। सो ये सारे स्टॉक्स थे, ये सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया इस मूव में। लूजर्स कहाँ थे जिन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा, उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री मेजरली बिकॉज ऑफ द TV18, और उसके बाद बजाज ऑटो के खराब सेट ऑफ नंबर्स, उसके वजह से यहाँ आपको एक ड्रैगर दिखा, और साथ ही हिंडाल्को एल्युमिनियम स्टॉक्स जैसे एल्युमिनियम के ट्रिगर जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली आज।